हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का उत्कर्ष के शानदार और लाजवाब सेशन में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। टीम उत्कर्ष के साथ मिलकर अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो कैसे हो? समर्पण सीरीज 2.0 में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और ये अमिताभ बच्चन की जो शानदार लाइन है, वास्तव में आदमी को मजा दिला देती है कि चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, तो किस लिए हताश है, तो उठ तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, और मिटने वाला में नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो करते हैं आज के इस शानदार सेशन को हम प्रारंभ। हो जाओ तैयार। देखे ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका है भैया। ये रहा, बताओ देखे, एक प्रसिद्ध यात्री था जिसका नाम था इबन बतूता। नाम सुना है रे? ये मूल रूप से कहां का निवासी था और कौन सा ग्रंथ इसके द्वारा लिखा गया था? ये मोरक्को को था, चाइना का था, यूनान का था या फिर इटली का था, बताओ देखे। तो मोरक्को का यात्री था, यानी अफ्रीका का, मोरक्को अफ्रीका का यात्री था। कौन? इबन बतूता। प्रश्न आता है इबन बतूता किसके काल में भारत आया था? तो जिसे इतिहास में बोलते हैं अपन पागल बादशाह, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था भाई। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में यह भारत आया था। और इसके द्वारा, इबन बतूता के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? इबन बतूता के द्वारा ग्रंथ लिखा गया था रहला नाम से ग्रंथ लिखा गया था। तुगलक ने इसे आते ही सबसे पहले दिल्ली का काजी बनाया था, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, और फिर इसे अपना दूत बनाकर कहां भेजा था? चाइना भेजा था भाई। कहां भेजा था? चीन भेजा था इसको। यह सवाल आपके दिल्ली पुलिस में पूछा गया था कि दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इबन बतूता आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं चाइना की आपसे, तो चाइना के यात्रियों में पहला पहला नाम आता है फायान का भाई। किसका नाम आता है? फायान का, जिसके द्वारा फा फू की ग्रंथ लिखा गया था। और किसके काल में दरबार में आया था ये? तो ये दरबारी था भाई किसका? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। इसका कई बार प्रश्न पूछा गया है कि फायान ने भारत में किस क्षेत्र की जनता को सबसे सुखी व समृद्धशाली बताया है? तो इसने मालवा की जनता को सबसे सुखी व समृद्धशाली बताया है। मालवा धरती गेंद डगडग रोटी पग पग नीर, मालवा जो है साल भर हरा भरा रहने वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है। इसके बाद में चाइना से एक आया था हेनशांग। कौन आया था? चीनी यात्री हेनशांग आया था, जिसके द्वारा ग्रंथ लिखा गया था सी यू की। ये अटपटांग नाम चाइना वालों का ही है, चाइनीज माल है ये। और किसका दरबारी बनकर रहा था ये? तो ये रहा था हर्षवर्धन का दरबारी भाई। हर्षवर्धन का दरबारी बनकर रहा था कब से कब तक? 630 से 45 तक। 29 में रवाना हुआ, 30 में पहुंचा था, 15 वर्ष तक यहां रुका था। इसको अपन उपनाम के रूप में क्या बोलते हैं रे? यात्रियों का राजकुमार भाई, यात्रियों का राजकुमार। इसी को कहते हैं अपन नीति का पंडित, नीति का पंडित, और वर्तमान भारत का शाक्य मुनि इसी को कहते हैं। ये भारत क्यों आया था? तो भारत आने का इसका प्रमुख दो उद्देश्य थे। नंबर वन, एक तो भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार करना ही, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी थे। और इसी से मिलने के बाद में हर्षवर्धन ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म का प्रचार। और दूसरा था नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करना भाई। उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करना। और इस समय नालंदा का कुलपति कौन था? नालंदा का कुलपति था आचार्य शीलभद्र, आचार्य शीलभद्र। यह सवाल भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने,
कंप्लीट है। अब बताओ देखे कमेंट करके कि यूनान के यात्री कौन कौन थे, यूनानी यात्री। तो यूनानी यात्री, यूनानी यात्रियों में अगर मैं बात करूं आपसे तो पहला ही पहला नाम आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस जिनको इतिहास का जनक बोलते हैं, हिस्ट्री का नाम से पुस्तक लिखी थी। इसके बाद सबसे बड़ा नाम आता है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था, सिकंदर के सेनापति, सेजुकस निकट का राजदूत था, और इंडिका नाम से ग्रंथ लिखा गया था। और इसके बाद में टोलमी है, प्लिनी है, ये भी डायमेक्स वगैरह, निर्याकस वगैरह ये भी थे। और इटली का आया था निकोल कोंटी। इटली का कौन था? निकोल कोंटी। निकोल कोंटी आया था, कोंटी, जिसने विजयनगर साम्राज्य को विश्व का सबसे सुंदर नगर बताया था, भाई इटली का यात्री। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ देखे भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा रखा गया था? भाई संविधान सभा का पहला विचार किसने रखा था और कब रखा था? बी एन राव, बनेगल नरसिम्हा राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर या एम एन रॉय को द्वारा? तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम एन रॉय। कब रखा गया था? 1934, 1934 ईस्वी में यह कहा गया था कि भारत का खुद का संविधान जो है, संविधान सभा भारत की जो खुद की बननी चाहिए। हाँ, तो संविधान सभा का पहली बार विचार एम एन रॉय के द्वारा, उसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 में भी रखा गया था, कांग्रेस के अधिवेशन में भी रखा गया था। बी एन राव, बनेगल नरसिम्हा राव, संविधान के सलाहकार, ध्यान रखो भाई आप लोग, संविधान का सलाहकार। सलाहकार किसे कहा जाता है? बी एन राव को कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा में, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, और संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष, झंडा समिति के अध्यक्ष, जिनको अजात शत्रु भी कहते हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्हें संविधान का पिता या आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। संविधान का पिता वे आधुनिक भारत का मनु किसको कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बताओ जल्दी से देखे राइट आंसर आपका क्या होता है भाई। हाँ, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, लखनऊ में है, हैदराबाद में है या मुंबई में है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में क्या है? केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है भाई अपना, केंद्रीय कृषि अनुसंधान अनुसंधान केंद्र, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो आपका उत्तर हो जाएगा देहरादून, देहरादून इन उत्तराखंड। हाँ, और इसके बाद में यहां आपका राइट आंसर क्या हो गया है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर। दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे, अभी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, यमुना बहुत जहरीली हो रखी है। हैदराबाद मुसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर, समुद्र के किनारे बसा हुआ मुंबई शहर। तो यहां आपका राइट आंसर हो गया है लखनऊ। कंप्लीट है भाई सभी के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ गया है, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग, रोहतांग सुरंग, ओट सुरंग या जवाहर सुरंग?
सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग पूछिए, सुन लेना अच्छे से, ठीक है ना। तो जवाहर सुरंग उत्तर नहीं होगा आपका, पहला तो ये ध्यान रखो आप लोग। क्यों नहीं होगा? जवाहर सुरंग जो है ये भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, सबसे लंबी रेलवे सुरंग, लंबी रेलवे सुरंग है ये, ठीक है। जो कहां पर है? जो है पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल J&K। आपसे पूछा है सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, तो अटल सुरंग है। हालांकि इसको रोहतांग सुरंग भी कह सकते हैं अपन, लेकिन वास्तविक नाम इसका अटल सुरंग है। रोहतांग दर्रे में स्थित है ये। कहां पर है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा इन हिमाचल प्रदेश। कितनी लंबाई है? 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग है। जल्दी से कमेंट करो देखे कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है। हाँ, तो ध्यान रखो आप लोग, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा अगर आपसे पूछ लेवे तो आपका उत्तर हो जाएगा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ऑफ यूनिटी। कितनी हाइट है भाई? 182 मीटर है। और वास्तुकार कौन है? राम वन सुथार भाई, राम वन सुथार। और कहां पर है? केवड़िया इन गुजरात में भाई। केवड़िया गुजरात, राम वन सुथार, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, राम वन सुथार केवड़िया गुजरात। कहां पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, कभी जाओ तो जरूर देख आना, बहुत शानदार स्थल है ये। तो यहां आपका राइट आंसर हो गया है ए भाई, करेक्ट आंसर है सभी का। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ देखे, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ये हाना जो है ना, ये बड़ी गड़बड़ कर देता है कई बार। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें संविधान में जोड़ा गया था, बिल्कुल राइट बात है भाई। 86 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही बात है। और ये कब जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे 10 कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी इंदिरा गांधी सरकार के समय। मूल कर्तव्य में 10 मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया गया था, यह भी सही बात है। भारत के संविधान में इन्हें आयरलैंड, नो बाबू भैया, के संविधान से प्रभावित होकर नहीं, ये कहां से लिए गए हैं? सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रभावित होकर लिए थे अपन ने। अगर आपसे प्रश्न आता है कि मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे, तो एक भी कर्तव्य नहीं था। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। कितने जोड़े गए थे? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य। 11वां कौन सा है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना माता पिता का मूल कर्तव्य होगा। और संविधान में कौन सा भाग जोड़ दिया गया? भाग 4A या भाग 4K। और अनुच्छेद कौन सा जोड़ दिया? अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य का प्रावधान देखने को मिलता है भाई। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, तो यह भी याद रख लो साथ में, आयरलैंड से लिया गया है एक तो नीति निर्देशक तत्व भाई, नीति निर्देशक तत्व। और दूसरा एक लिया गया अपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शक्तियां भाई, चुनाव प्रक्रिया, सॉरी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया हमने कहां से ली है? आयरलैंड से लिए भाई। एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के तहत जो चुनाव होता है वो हमने आयरलैंड से लिया है। तो डी आपका यहां पर बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है भाई, निम्न में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? संतूर नाम आते ही शिव कुमार आता है ध्यान रखो आप लोग, संतूर का नाम आते ही आपके पास दिमाग में उत्तर क्या आना चाहिए? शिव कुमार जी आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो ध्यान रखो आप लोग, शिव कुमार शर्मा जी जो है प्रसिद्ध संतूर वादक हुए हैं। देखो कला के संदर्भ में अगर आपसे पूछते हैं ना, एक तो सबसे ज्यादा जो पूछा संतूर कैसा होता है आपको पता है ना, ये देखो
यह है संतूर वाद्य यंत्र, आपको दिखाई दे रहा होगा। संतूर दिखाई दे रहा है भाई? शिव कुमार शर्मा जी, हाँ, बिस्मिल्ला खान एक तो पूछते हैं, ये तो किस कौन हो गए इसके, तो शिव कुमार शर्मा जी, बिस्मिल्ला खान, यह है शहनाई वादक। शहनाइयों की सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सखी सुर के जोड़े में चांद सी दुल्हन जमी से फलक से कोई परी आ गई है। तो ध्यान रखे भाई आप लोग, आपके लिए भी कोई परी इंतजार कर रही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट से पहले दोस्तों, अब भारत का सबसे बड़ा त्यौहार आ रहा है, दीपावली, दीपोत्सव, माँ लक्ष्मी जी की आराधना होनी है। और ध्यान रखें आप लोग, ये दीपावली जो है इसको सिलेक्शन वाली दीपावली कैसे बनाएं, इसके लिए उत्कर्ष आपके लिए छात्र हित सर्वोपरि का जो ध्येय है वो पुनः एक बार साबित करते हुए उत्कर्ष आपके लिए लेकर आ गया है दीपावली का शानदार उपहार। तो सर्वप्रथम तो उत्कर्ष परिवार की तरफ से आपको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। और दीपावली का ये उपहार आपको ध्यान रखें, उत्कर्ष दीपावली ट्रिपल धमाका, इस बार तीन ऑफर आपको यहां पर मिल रहे हैं, लेकिन पहले बता रहा हूं सुन लेना अच्छे से, ये ऑफर आपके लिए वैलिड रहेंगे 24 यानी आज से स्टार्ट होकर के 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2 और 3 तारीख तक ये आपके वैलिड रहेगा, यानी 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ये वैलिड रहेगा। उत्कर्ष के अपने एसएससी और रेलवेज के जितने भी बैच है उन सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट, प्लस साथ में एक्स्ट्रा वैलिडिटी फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, साथ में ही फ्री आपको मिल रहा है रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त, जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम का जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो आपको मुफ्त में मिल रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो इसके लिए आपको आज ही अपने मोबाइल में उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल करना है और जुड़ना है भारत की सबसे शानदार और सशक्त टीम के साथ में। तो ऐसे जीडी की भर्ती भी आ रखी है, ऐसे में ये ऑफर आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। इस दीपावली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार। तो बिना किसी विलंब के शुभकामनाएं, देरी किस बात की, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिले ऐसी कामना के साथ में आ गया है अगला क्वेश्चन आपके सामने। बता दीजिए, संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, किंतु वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। देखो, संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, यानी संसद का यानी कोई एक एमपी हो या एमएलए हो वो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो सकता है, किंतु वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। पद ग्रहण करने के तुरंत पूर्व से 6 माह के अंदर या पद ग्रहण करने की तारीख से, यानी किस दिन से, तो जिस दिन उसने पद ग्रहण किया है ध्यान रखो उस दिन के बाद वो एमपी या एमएलए नहीं रहेगा भाई, सीधी सी बात है। पद ग्रहण करने के तुरंत बाद ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर उसने, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो बनता है उसमें एक अपन योग्यता यह भी लिखते हैं कि वो धन के पद पर कार्य नहीं करता हो, यानी वो किसी अन्य दूसरे पद पर कार्य नहीं कर सकता है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर डी, भारत का नागरिक हो, धन के पद पर कार्य न करता हो, किसी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया व पागल घोषित ना हो, और लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुके हो, और इसके बाद में 50 प्रस्तावक में 50 अनुमोदक मत होने जरूरी है, और 15,000 जमानत राशि, तो यह राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होती है। तो इसमें एक योग्यता यह भी रहती है कि धन के पद पर कार्य न करता हो, तो डी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो है, जिसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 में अपन को देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आ गया, ये रहा, बताओ देखे, निम्नलिखित में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बाकी तीन सुपरसोनिक मिसाइल नहीं, ध्यान रखो आप लोग, ब्रह्मोस, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल। तो सीधा सा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल किस देश की है, तो ये भारत और रूस ने मिलकर के तैयार की है भाई, शक्तिशाली पावरफुल मिसाइल ब्रह्मोस। किस नाम से हुआ, देखो भारत की एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी, लंबी नहीं है, बड़ी नदी बात कर रहा हूं, और रूस की एक नदी है मोस्कोवा नदी के किनारे ही बसा हुआ है रूस की राजधानी, तो मोस्कोवा नदी के किनारे बसा हुआ है,
तो ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा के नाम से इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस, और ये भारत और रूस की है, और पृथ्वी आकाश त्रिशूल साथ में नाग, आकाश त्रिशूल पृथ्वी नाग, और ध्यान रखो आप लोग ये सारी मिसाइलें किसके द्वारा तैयार की गई है, अटल आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, कलाम साहब के द्वारा तैयार की गई है, इसीलिए इनको बोलते हैं मिसाइल मैन। और एक पॉइंट और ध्यान रखना कि मिसाइलों का देश किसे कहा जाता है, मिसाइलों का देश जो अभी फुल फॉर्म में कार्य कर रहा है कौन सा देश, इजराइल भाई, इजराइल को जो है मिसाइलों का देश कहा जाता है। और वैसे इजराइल को जो है जहां पर जेरूसलेम इसकी कैपिटल है, कंप्लीट नेक्स्ट। तो ध्यान रखो भाई आप लोग मिसाइलों का देश किसे कहते हैं रे, इजराइल को कहते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, ये रहा भारत की प्रभुता, भारत की एकता अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्य बनाए रखें, यह उपबंध निम्न में से किस कहां से लिया गया है। देखो आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, संविधान में से कहीं से भी एक लाइन ले ली, या तो प्रस्तावना में से पूछ देते हैं, और या मूल कर्तव्य से, या मौलिक अधिकारों से, या नीति निर्देशक तत्व से, ये चार टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से एक लाइन ले लिया, या प्रस्तावना में से आजकल एक दो वर्ड ले लेते हैं कि ये वर्ड जो है ये कहां से लिया गया है, या प्रस्तावना में ये वर्ड किस वर्ड के बाद आता है या किस वर्ड के पहले आता है, ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आप सभी को ज्ञात हो कि प्रस्तावना में ये शब्द कहां से लिया गया है, संविधान की प्रस्तावना से, मूल अधिकार मौलिक अधिकारों से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, या मूल कर्तव्य से। तो ये अपना मूल कर्तव्य है भाई, ध्यान रखो आप लोग, भारत की प्रभुता एकता और अखंडता को उसकी रक्षा करें, उसे अक्षुण्य, अक्षुण्य यानी ऐसी जो कभी नष्ट नहीं हो। प्रस्तावना जो है अपने संविधान में वो किस देश से ली गई है रे, प्रस्तावना का प्रावधान अपने देश में लिया गया अमेरिका से, ध्यान रखना। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा शैली है वो कहां से ली हमने, वो लिए आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और इसके अलावा ध्यान रखो मूल अधिकार हमने कहां से लिए है, ये भी अमेरिका से लिए है, फंडामेंटल राइट्स जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए हैं, ये लिए हैं आयरलैंड से, और मूल कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। प्रस्तावना को कहते हैं संविधान की आत्मा। देखो इसमें तीन चार पॉइंट बताता हूं आपको, मजा आ जाएगा पढ़ करके। संविधान की आत्मा किसने कहा था, अच्छा क्वेश्चन है ये, किसने कहा था, ठाकुरदास भार्गव ने, ठाकुरदास भार्गव ने। अब अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था रे, आर्टिकल 32 को, तो आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया कि नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तब अलग उत्तर हो जाएगा आपका, ऑस्टिन ने, किसने कहा था, ऑस्टिन ने कहा था। तो ये तीनों ही आत्माओं का ध्यान रखना है, नहीं तो भूत प्रेत की आत्मा आ जाएगी आप में। अगर सीधा प्रश्न आ गया संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, आपका उत्तर होगा प्रस्तावना। लेकिन अगर शर्त डाल दी अंबेडकर जी ने किसे कहा था, ऑस्टिन ने किसे कहा था, तब आपका उत्तर चेंज हो जाता है, और यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य, आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। जो कहां से लिए गए मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं भाई रूस से, भाई ध्यान रखो आप लोग। अगला क्वेश्चन आ गया, ये रहा अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान रखो आप लोग। अविश्वास प्रस्ताव किसे कहते हैं, ध्यान रखो आप लोग, यानी प्रधानमंत्री सीएम वगैरह को जो पद से हटाते हैं ना, तो पद से हटाने की प्रोसेसिंग होती है अविश्वास प्रस्ताव। देखते हैं, देखे भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, पहली बात तो है बिल्कुल क्यों नहीं है। यह प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन आवश्यक, गलत बात, यही सही उत्तर हो गया, नहीं पूछा गया सही नहीं है, तो यह सही नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र दे देती है, बिल्कुल सही बात है। 100 सदस्य नहीं होंगे,
प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या है? नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव। हमेशा ध्यान रखो, प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए विपक्ष क्या लेके आता है? अविश्वास प्रस्ताव लाता है। कहां पर? लोकसभा में। कहां लेके आएगा? लोकसभा में। और प्रस्ताव पर वोटिंग जो होगी उसमें प्रस्ताव 100 मेंबर नहीं, 1/2+1 से पास होना जरूरी है। यानी लोकसभा के जो अपने टोटल सदस्य है, पहले 545 थे, 543 हो गए, एंग्लो इंडियन हट गए हैं, उनका 1/2 आधा प्लस 1, ध्यान रखें आप लोग। तो अगर 272 सदस्य जो पक्ष में है तो सरकार चलेगी, नहीं है तो फिर सरकार गिरेगी, बात खत्म। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है भाई। 1/2+1 मेंबर के द्वारा पास करना कंपलसरी होता है, न कि, ध्यान रखो आप लोग, 100 समर्थन से कुछ नहीं होने वाला है बाबू भैया। कंप्लीट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अविश्वास प्रस्ताव से हटाए गए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विश्व प्रताप सिंह। विश्व प्रताप सिंह कब हटाया था? 1989 से 90, तो 90 में इनको पद से हटा दिया था। ये अभी सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस प्रधानमंत्री के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, हटाया नहीं, लाया गया था। तो लाया गया था पहली बार किसके खिलाफ? पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। कब लाया गया था? 1963 ईस्वी में लाया गया था, लेकिन वो पास नहीं हुआ था। कौन लेके आए थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण लेके आए थे, लेकिन वो पास हुआ ही नहीं। तो यहां आपका राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन आ गया है भाई आपके सामने, नेक्स्ट बता दीजिए। देखिए जल्दी से आपका राइट आंसर क्या होता है, ये रहा। हुमायूं नामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन है, अकबर के द्वारा, नूरजहां के द्वारा, बाबर के द्वारा? हुमायूं नामा ग्रंथ जो है वो किसने लिखा? तो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था भाई। किसके द्वारा लिखा गया था? गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा ग्रंथ लिखा गया था। अकबर नामा ग्रंथ किसने लिखा था जो अकबर के बारे में था? अकबर नामा ग्रंथ तो यह लिखा था अबुल फजल ने। अबुल फजल। जबकि नूरजहां कौन थी? नूरजहां थी जहांगीर की पत्नी भाई, जहांगीर की पत्नी थी, जिसका वास्तविक नाम था मेहरुनिसा, मेहरुनिसा। और इसी मेहरुनिसा ने अपने पिता मिर्जा गयास बेग की याद में बनाया था मकबरा, जिसे अपन बोलते हैं एतमुद्दौला का मकबरा। दौला का मकबरा, और ये जो एतमुद्दौला का मकबरा है ये भारत की बेदाग संगमरमर से निर्मित पहली इमारत है भाई। बेदाग संगमरमर से निर्मित पहली इमारत कौन सी है? तो वो है एतमुद्दौला का मकबरा, जो संगमरमर से बना हुआ है। किसने बनाया था? नूरजहां ने बनवाया था। किसकी याद में? मिर्जा गयास बेग की याद में। नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी। बाबर के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है बाबरनामा, जो कई बार पूछा गया किस भाषा में लिखा गया था? तो यह लिखा गया था तुर्की भाषा में भाई। किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में, बाबरनामा ग्रंथ। और यह भी सवाल पूछा गया है कि बाबरनामा ग्रंथ में बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? तो विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय को। हम करके आते हैं महाराणा सांगा, जो गलत होता है। विजयनगर साम्राज्य का जो राजा है कृष्णदेव राय। हालांकि शक्तिशाली तो महाराणा सांगा ही था, बाबर के कहने से क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी बाबर ने किसको कहा है? तो ये ध्यान रखो, विजयनगर साम्राज्य का राजा था कृष्णदेव राय। और बाबर ने यह भी कहा था मरने से पहले हुमायूं को कि मुझे दफनाना कहां पर है? काबुल में। लेकिन हुमायूं तो भुलक्कड़ आदमी था, भूल गया, और हुमायूं ने बाबर को दफना दिया कहां पर? आरामबाग में। आरामबाग इन आगरा में दफना दिया था। और फिर हुमायूं को दोबारा याद आया तो इसके अस्थि पंजर वापस निकाले और फिर इसको दफनाया कहां पर? काबुल में। तो बाबर जो है भारत में मुगल साम्राज्य की नींव लगाने वाला है। और बाबर के सेनापति मीर बांकी ने ही 1528 ईस्वी में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। राम मंदिर को तुड़वा करके बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और फिर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था 1992 ईस्वी में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय।
और 5 अगस्त 2020 को फिर मोदी ने राम मंदिर की नींव लगाई थी, और 2024 में अभी मोदी ने कर दिया राम मंदिर का उद्घाटन, जिसका वास्तुकार है चंद्रकांत मौली सोमपुरा, मौली सोमपुरा। ठीक है, तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, गुलबदन बेगम। ये भी याद रखें, गुलबदन बेगम कौन थी, ये हुमायूं की बहन थी भाई, गुलबदन बेगम भाई, ध्यान रखो आप लोग। कंप्लीट है सभी के? हाँ, हुमायूं मस्त भुलक्कड़ आदमी था एकदम। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा बताओ देखे, गोल गुंबज कहाँ स्थित है। गोल गुंबज राजस्थान में है, विश्व का सबसे ऊंचा गुंबज है, ध्यान रखो आप लोग। पंजाब में है, कर्नाटक में है, या गुजरात में है, तो गोल गुंबज कहां पर है भाई, कर्नाटक में। विश्व का सबसे ऊंचा गुंबज भाई, विश्व का सबसे ऊंचा गुंबज है ये गोल गुंबज, और आदिल शाह के द्वारा, तो ध्यान रखो आप लोग। कंप्लीट है, तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, कर्नाटक आपका यहां पर। सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। यह कहां पर है, फतेहपुर सिकरी इन यूपी, जो अकबर ने बनवाया था भाई गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। सबसे बड़ी मस्जिद भारत में है जमा मस्जिद, सबसे बड़ी मीनार है कुतुब मीनार। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अभी दीपावली का विशेष ऑफर आपको मिल रहा है, तो आप लोग इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए अवश्य जुड़िएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक दीजिए आप लोग मुझे इजाज़त। बिल्कुल दीपावली अभी अप टू 90% डिस्काउंट प्लस 3 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल रही है, और साथ में ही पूरा आपका लाइव फ्रॉम क्लासरूम रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल रहा है। तो एक साथ में 3 दिन खुशियां आपको इस ऑफर में मिल रही है। तो बिना किसी विलंब के आज ही अपने मोबाइल में उत्कर्ष ऐप को अवश्य इंस्टॉल कीजिएगा, और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान टीम उत्कर्ष के साथ में। पुनः आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं, और ये दीपावली सिलेक्शन वाली अगर बनानी है तो अवश्य आप लोग जुड़िएगा। SSC और रेलवेज के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है आपको अप टू 90% डिस्काउंट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।